हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ गए हैं नए ब्लॉग के साथ। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, कटनी में आए हुए हम लोग जागृति पार्क जो गार्डन है, और यहां पर प्रदर्शनी लगी हुई है जहां पर दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं और कुछ मूर्तियां लेकर आए हैं जो अपनी अपनी कलाकृतियाँ दिखा रहे हैं। तो पूरा नज़ारा देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ पास का पूरा नज़ारा है साइड का गार्डन का। यहाँ पास से हम लोग सीधे अंदर जाएंगे और अंदर से आप लोगों को पूरा नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। देख सकते हैं गाइस आप लोग, ये पूरा नज़ारा है यहाँ अंदर का। और अभी हम लोग चलते हैं और अंदर की तरफ, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा पूरा नज़ारा कि किस तरह से यहाँ पास प्रदर्शनी लगी हुई है। गाइस यहाँ पास किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पास फायर ब्रिगेड भी आया हुआ है और ये यहाँ का पूरा लोकेशन है। अभी हम लोग इस गेट से अंदर की तरफ जाएंगे। देख सकते हैं गाइस आप लोग, हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ का। ये भैया बनाए हुए हैं इसको। भैया देखना थोड़ा आप। चलो भाई लोग, ये भैया ने बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पास बनाई है। क्या भैया? शिवाजी हैं। अच्छा 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 जी जी, बहुत ही प्यारा आपने बनाया हुआ है। देख सकते हैं गाइस आप लोग, बच्चन नायक जी के ये बहुत ही अच्छे आर्ट कर रहे हैं भैया, बना रहे हैं बच्चन नायक जी को, जो अपने पूर्व विधायक रह चुके हैं। कितना टाइम लग जाता है भैया बनाने में इसको? ये साइज पर निर्भर करता है कि कितनी बड़ी साइज है। अच्छा अच्छा, जैसे इसको इसके फेस को बनाने में हमको 4 से 5 दिन लग जाएंगे। जी जी, बहुत ही अच्छी कलाकारी की है इन्होंने। कितनी डिटेल देख सकते हैं आप लोग, कितनी प्यारी आर्टिस्ट कर रहे हैं भैया। देख सकते हैं गाइस आप लोग, बहुत ही प्यारी प्यारी प्रतिमा इन आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई है। यहाँ पास माँ सरस्वती जी की ये प्रतिमा है। बहुत ही प्यारा लोकेशन है यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, ये आर्टिस्ट लोगों का पूरा ग्रुप यहाँ आया हुआ है। आधारशिला यहाँ पास पूरी लगी हुई है कटनी जागृति पार्क में। देख सकते हैं आप लोग गाइस, कितनी प्यारी कलाकारी की गई है इसमें भी, आप देख रहे हैं। देख सकते हैं गाइस, ये मंदिर भी यहाँ पास रखे हुए हैं। बहुत ही प्यारा लोकेशन है यहाँ का। तो चलिए अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। देख सकते हैं गाइस आप लोग, लोग जा रहे हैं, पूरा आगे का लोकेशन है। जिस प्रकार से देख ही सकते हैं आप लोग, कितना प्यारा नज़ारा है ये। बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट की गई है यहाँ पास, देख ही सकते हैं आप लोग वीडियो के माध्यम से। देख सकते हैं गाइस आप लोग, बहुत ही अच्छा यहाँ पास स्टैचू बना हुआ है यहाँ पास, और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। आप लोग देख ही सकते हैं, शायद कबूतर बैठा है इस स्टैचू के ऊपर। देख सकते हैं आप लोग, मैं और आप लोगों को इसके आगे का नज़ारा भी दिखाता हूँ पूरा। हाँ भाई, देख सकते हैं गाइस, बहुत ही प्यारा लोकेशन है यहाँ का। बहुत दूर दूर से आर्टिस्ट आए हुए हैं जो अपनी कला दिखा रहे हैं यहाँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग इस पत्थर में कितनी प्यारी कलाकृति की गई है। चारों तरफ कला ही कला है। देख सकते हैं गाइस आप लोग, पत्थर में भी कितनी प्यारी कलाकृति करके पता नहीं क्या बनाया गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है जो कि नज़ारा, कुछ लिखा हुआ भी है इसमें पूरे में। देख सकते हैं गाइस, इसमें लिखा हुआ है किसमें समाहित है अंतरिक्ष। बहुत ही प्यारा लोकेशन है यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग। और चारों तरफ का लोकेशन कुछ इस प्रकार से है,
देखते हैं गाइस आप लोग, हम लोग और आगे जा रहे हैं, अब आप लोगों को थोड़ा सा और आगे का लोकेशन पूरा दिखाएंगे। तो गाइस अगर प्लीज़ चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी आधारशिला यहाँ पास बनी हुई है, बहुत ही प्यारा है लोकेशन, आर्टिस्ट लिखा हुआ है इसमें, जितेंद्र बेकर्ड TCR। देख सकते हैं आप लोग इतनी प्यारी कलाकृति, शंख बनाया गया है, शंख जैसी लग रहा है मेरे को। और आप देख सकते हैं आगे की और लोकेशन में आप लोगों को दिखाऊंगा। देख सकते हैं गाइस इतनी प्यारी कलाकृति इस पत्थर में बनाई गई है, ताबूत टाइप का ही बना हुआ है पूरा, ताबूत कहते हैं इसे। और मैं इसकी आप लोगों को चारों तरफ की लोकेशन दिखाई दे रहा हूँ जो कि कुछ इस प्रकार से है, ऊपर भी इसके कुछ बना हुआ है। देख सकते हैं गाइस सारे पत्थरों में कितनी प्यारी कला करके इनको कटिंग करके यहाँ रखा गया है। देख सकते हैं गाइस आप लोग कितना प्यारा लोकेशन है यहाँ का, ये अजूबा टाइप में मतलब कलाकृतियाँ यहाँ बस की गई हैं। कहते हैं ना कि भारत में बहुत सारे अजूबे हैं, तो ये सब इन्हीं कलाकारों द्वारा ही बनाए गए हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ ये भी कितनी प्यारी बनी हुई है, आर्टिस्ट टाइप आर्टिस्ट लोगों ने बनाई है कलाकृतियाँ, ये देख सकते हैं आप लोग। ये सारा नज़ारा गाइस जागृति पार्क कटनी में है, देख सकते हैं जहाँ पास बहुत दूर दूर से कलाकार पूरे मतलब अपने मध्य प्रदेश से सारे कलाकार यहाँ पास आए हुए हैं और यहाँ पास ये पूरी प्रदर्शनी चल रही है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पास एक झील भी बनी हुई छोटी, इसका नज़ारा मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। यहाँ पास बोटिंग की भी सुविधा उपलब्ध है गाइस, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग ये बोटिंग भी है यहाँ पास, बोटिंग कराई जाती है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर से चलेंगे तो हम लोग भी बोटिंग करेंगे इसमें। देख सकते हैं गाइस ये चक्का टाइप का बना हुआ है और इसमें भी इसके अंदर भी कलाकृति की गई है, बहुत ही प्यारा नज़ारा जागृति पार्क का। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ की लोकेशन कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं गाइस कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ की। देख सकते हैं गाइस श्री रामचंद्र जी की ये प्रतिमा है, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाई गई है। और ये कलाकार बिलहरी से आए हुए हैं मेरे ही गांव से। बताएं भैया इसको बनाने में कितना टाइम लगा है अपन को? कम से कम 15 दिन का समय लगा है। देख सकते हैं गाइस भैया द्वारा बताया जा रहा है कम से कम करीबन 15 दिन का टाइम लगा हुआ है और बहुत ही प्यारी मूर्ति बनाई गई है। बिलहरी से आए हुए हैं कलाकार, और भी कलाकार आए हुए हैं तो मैं आप लोगों को उसका भी नज़ारा पूरा दिखाऊंगा। देख सकते हैं गाइस ये भैया भी बिलहरी से आए हैं, ये सारे लोग सब बिलहरी से आए हुए हैं और कितनी प्यारी कलाकृतियाँ इन्होंने बनाई हुई है। और ये जागृति पार्क में पूरा लगा हुआ है प्रदर्शनी मेला, जहाँ से दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं। भैया कितना टाइम लगा ये मूर्ति बनने? एक सप्ताह की कारीगरी है इसमें, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और ये हमारे एक और भाई साहब यहाँ लगे हुए हैं सचिन बर्मन जी, मूर्ति घिसते हुए जागृति पार्क में। ये काहे का स्टैचू है भैया? देख सकते हैं गाइस आप लोग डॉक्टर अंबेडकर जी का ये स्टैचू है जो इन आर्टिस्ट द्वारा बनाया जा रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा। ये लोग बहुत मेहनत करके स्टैचू तैयार करते हैं, मूर्तियाँ तैयार करते हैं। सब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पास जो बोटिंग होती है उसका पूरा नज़ारा। देख सकते हैं गाइस ये भैया बोटिंग वाले हैं, अब हम लोग इसमें बोटिंग करेंगे। ये पूरा नज़ारा झील का है जागृति पार्क में। हाँ भाई तो देख सकते हैं गाइस फाइनली मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, नीचे पूरा पानी पानी है, देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ पानी है। और भैया भी हम लोगों को पूरा ही बोट कराएंगे इसमें, इसके अंदर मैं घुसा हुआ हूँ गाइस, बहुत ही अटपटा लग रहा है, देख सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं गाइस पानी के अंदर मैं इसमें घूम रहा हूँ। और ये लोकेशन आप लोग देख ही सकते हैं, झील की पूरी लोकेशन है यहाँ से और ये पूरे अंदर का नज़ारा है।
देख सकते हैं इसके नीचे पूरा पानी पानी है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ। देख सकते हैं गाइस रोशन धक्का मार रहा है इसमें। भाई ज्यादा ना फेल देना पानी में चला जाऊं मैं इसमें बैठे बैठे। देख सकते हैं गाइस बहुत ही अटपटा लग रहा है मेरे को, घूम रहा हूँ चारों तरफ पानी के ऊपर बैठा हुआ हूँ। गाइस फाइनली मैं इसमें घूम के बाहर निकल आया हूँ और बहुत ही अच्छा लगा इसमें घूमने में। और चलिए अब हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से, तो देख सकते हैं गाइस हम लोग बोटिंग फाइनली कराए हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाइयों। सकते हैं गाइस यहाँ पास जागृति पार्क में एक सेल्फी पॉइंट अभी नया नया बनाया गया है सेल्फी लेने के लिए, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। ये जो बैक में दिख रहा है पूरा सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो गाइस देख सकते हैं, तो आप लोग अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गर्दा मचा दें गर्दा।